सुनते ही अच्छो अच्छो के होश उड़ जाते हैं। सांप ने काटा तो उसे हाथ पे पकड़कर अस्पताल पहुंचा ये युवक। सांप का नाम सुनकर अच्छे अच्छों के होश फाकता हो जाते हैं, लेकिन सांप के कटने के बाद एक युवक ने हिम्मत नहीं हारी और उसे पकड़कर सीधे इलाज कराने अस्पताल पहुंच गया। युवक के हाथ में सांप देखकर मरीज और तीमारदार वहां से रफू चक्कर हो गए। वही डॉक्टर और कर्मचारी भी उसे देख कर हैरत में पड़ गए। अब चुम्मा खुल ले एक बार देखे चढ़ाओ रुपया चढ़ाओ सब दिन चलने में आता है चक्कर आता है सर। सर एक सर मलोली साहब था आपका सर, वहाँ कोई व्यक्ति सांप सर लेके पहुंच गया तमाशा के सर को हमारा क्या है? संज्ञान में आया है एक व्यक्ति जो खुद को सपेरा बता रहा था वो वहाँ पे पहुंच गया था और उसको सांप ने कट पे काटा भी था, तो कह रहा था मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसको टोटल टारगेट नहीं कहेंगे उसको, इंटॉक्सिकेशन सांप के जहर का होने लगा। उसके बाद उसका इलाज करके उस व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजा गया था। उसने सांप का छोड़ा था 7 साल में, छोड़ा था अस्पताल में वो सांप लेके आया था, तो सांप वहीं छूट गया होगा क्योंकि उसको खुद सांप ने काट रखा है। यूपी के संत कबीर नगर जिले में ये हैरतगंज मामला सामने आया है, जहां एक सांप का काटा इंसान जिंदा सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंच गया। ये तस्वीर है यूपी के संत कबीर नगर जिले में आने वाले मलौली अस्पताल की, दोपहर 3 बजे की, जहां अस्पताल के फर्श पर एक जहरीला सांप अपने अंदाज में फन फैलाए बैठा हुआ है। सांप के सामने एक युवक उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल सांप के सामने बैठे शख्स का नाम तौकीर है, जिसे सांप ने खेत में काम करते वक्त डस लिया था। उसके बाद युवक ने सांप को पकड़ लिया और अपना इलाज कराने सांप को लेकर मलौली अस्पताल पहुंच गया। इस दौरान वो सांप को अस्पताल में ही छोड़कर उसके साथ खेलने लगा। डॉक्टरों ने तौकीर का इलाज करने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर करने में ही भलाई समझी। किसी तरह सांप को अस्पताल से बाहर किया गया, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। इस संबंध में जब बस्ती के CMO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक सपेरा सांप लेकर अस्पताल में आया था, उसे उसी सांप ने डस लिया था। इसका इलाज कराने के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।